अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वापस होंगे। देखें, ये मस्जिद है, ये मस्जिद, ये वही जगह है जहाँ पे लियाकत पूरी साहब के साथ मैं गुजर रहा था यहाँ पे। ऐसे ना, ये बड़ा शॉर्टकट रास्ता होता था और मैं बचपन से इन्हीं गलियों से स्कूल जाया करता था मीनाजी का, इसलिए मुझे गलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मस्जिद है, मस्जिद की ऊँचाई है, और ये देखो ये गली है, ये गली वो आगे तक जाती है। मैं उधर से आया हूँ, दस बीस मिनट स्मेल आना शुरू हो गई है। ये हाल है हमारे रेमंड की गलियों, ये गटर है और ये यहाँ पे लोग रहते हैं। मुझे बहुत स्मेल आ रही है, मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता, मजबूरी है। लेकिन हमें, मैं फैजी को लेके आऊँगा, उधर खाला से मैंने मिलना था, लेकिन अब मेरे साथ मेरी भतीजी हैं, हम ज़्यादा देर स्टे नहीं करें, मैं अकेला आऊँगा, फैजी जट के पास जाऊँगा, उसको साथ लेके आऊँगा, और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है ना ये गलियों में उसे पूछूँगा, और फिर जो भी है उसे डिस्कशन करूंगा, मशवरा करूंगा क्या किया जाए और कैसे यह मसला हल हो सकता है। तो फैजी आगे बड़ा अच्छा काम करता है, उसकी मैं फेसबुक सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ जो है देखते रहता हूँ, एक्टिविटीज़ वो बहुत अच्छी करता है। लेकिन मैं पूछूंगा, यार ये गलियों का मामला अभी तक क्यों नहीं हल हो रहा, या ये उसके एरिया में नहीं आती हैं, ये किसके एरिया में आती हैं और ये क्या मसला है, मुझे पता नहीं है। मैं पूरा समझूंगा, और जो बंदे का ये राइड बनता, अगर मौका मिला उसके पास भी जाऊंगा, उससे पूछूंगा ये मसला क्यों ख़त्म हो रहा है। मुझे दोस्त ने बताया कि लोग भी यहाँ पे ना खुद भी बरा, मैं बहरहाल बाद में बात करूँगा। थैंक यू।